Hello everyone, so let's talk about the next part of functions in graph, and it is based on trigonometric function. A trigonometric function mein cat wagera ke hisab se sirf teen hi function kaam ke hain, that is sine, cos and tan. So sabse pehle hum baat karte hain trigonometric function mein sine ki. Agar hum baat kare sine x, matlab agar function diya hua hai y is equals to f of x is equals to sine x, yaad rakhna hai ki sine hamesha define hota hai. आप x की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं. तो डोमेन की अगर बात करोगे, डोमेन इज ऑल रियल नंबर. लेकिन अगर साइन की बात, वैल्यू की बात करोगे, यानी रेंज की बात करोगे, तो रेंज जो होती है साइन की, वो माइनस वन से बीस वन के बीच में होती है. तो ये आपको याद रखना है कि साइन फंक्शन जो है ऑलवेज डिफाइन है, x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू आउटपुट में मिलेगी वो आपको माइनस वन से वन के बीच में मिलेगी. और अगर इसके ग्राफ की बात की जाए, इसका ग्राफ एक कर्व जैसा मिलता है, और कर्व जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, इस टाइप से वेव मिलती है और ये चलती रहती है आगे तक. ये जो वैल्यू होती है पाई बाय टू होती है, दिस इज पाई, दिस इज थ्री पाई बाय टू, और उसके बाद पाई आता है, राइट. तो ये ग्राफ होगा साइन का. जितने जितनी वैल्यू के बाद ये रिपीट होता है, उसको बोलते हैं पीरियड. दिस इज टू पाई, तो टू पाई के बाद ये वापस रिपीटेशन आएगा, ग्राफ फिर से ऊपर उठेगा. मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट रिपीट होंगे उसके बाद फिर से. दैट मीन्स यहाँ अगर बात करें तो ये ग्राफ साइन का है. पूछता है पीरियड क्या है इसका, तो पीरियडिसिटी कितनी है, 2 पाई, राइट. ये आपका हुआ साइन एक्स का ग्राफ. फिर अगर बात करें कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स की बात करते हैं, तो कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स है. तो कॉस जो है ये भी हमेशा डिफाइन होता है, कभी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर. तो अगर इसके डोमेन की बात करोगे, तो इसका भी डोमेन जो होता है वो आर होता है, और इसकी जो रेंज होती है, रेंज जो होती है ये सेम होती है, माइनस वन से वन के बीच में होती है. और ग्राफ थोड़ा सा चेंज होता है, ये ग्राफ शुरू यहाँ से होता है, इस टाइप से ये ग्राफ बनता है इसका. ये वैल्यू जीरो है, दिस वैल्यू इज पाई बाय टू, दिस इज पाई, दिस इज थ्री पाई बाय टू, एंड दिस वैल्यू इज टू पाई. ये ग्राफ होता है, उसके बाद रिपीटेशन आता है, दिस वैल्यू इज प्लस वन एंड दिस वैल्यू इज माइनस वन. यानी इसकी वैल्यू जो होती है प्लस वन से माइनस वन के बीच में होती है. और साइन की अगर बात करें, तो साइन की वैल्यू प्लस वन और यहाँ माइनस वन के बीच में होती है. तो यहाँ भी सेम ही है कि वैल्यू जो है वो प्लस वन से माइनस वन के बीच में लाया करती है. तो डोमेन इज आर, रेंज इज माइनस वन से वन. फिर अगर बात करें टेन की, टेन एक्स, तो वाई अगर टेन एक्स के बराबर है, यानी एफ ऑफ एक्स अगर टेन एक्स के बराबर है, तो डोमेन क्या होता है. डोमेन जो है वो इसकी अगर बात करें, सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है ना, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे डोमेन में आर. लेकिन लेकिन से वो वैल्यू हटानी है जब एक्स की वैल्यू अगर बात करें, लेट्स पाई बाय टू है, पाई बाय टू पे तो टेन डिफाइन नहीं होता है ना, वैसे ही थ्री पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं होता. तो माइनस करना पड़ेगा हमें, माइनस करना पड़ेगा एक्स, वेयर एक्स जो है इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन, यानी ऑड पाई बाय टू के टर्म्स है. मतलब पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू एंड सो ऑन. इसमें एन क्या है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर. इंटीजर क्यों, क्योंकि नेगेटिव पे भी डिफाइन नहीं होगा. इतना टेक्निकली कैट वगैरह में पूछते नहीं है, बट याद रखना कि डोमेन जो है वो क्या होगा कि ऑल वैल्यूज पे डिफाइन है, सिवाय पाई बाय टू या उसके मल्टीपल्स पे, ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं होगा. इज इट ओके. अब इसके रेंज की बात कर लेते हैं. रेंज जो है, रेंज जो आएगी टेन की, टेन की वैल्यू तो सीधे सीधे बढ़ते रहती है, तो टेन में प्रॉब्लम ही नहीं है. टेन की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में कुछ भी लाई कर सकती है, इससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. टेन जैसे जैसे आप डालते जाओगे, एंगल की वैल्यू बढ़ते जाएगी, लेकिन सिर्फ पाई बाय टू पर डिफाइन नहीं होती है. और अगर इसके ग्राफ की बात करेंगे, तो ग्राफ विल समथिंग लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखता है. ये ग्राफ अगर है, यहाँ से वैल्यू बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, और पाई बाय टू पर जाके डिफाइन नहीं होती. तो ये वैल्यू अगर अगर आपकी स्केल अगर पाई बाय टू है, तो पाई बाय टू तो उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है. मतलब यहाँ पे पाई बाय टू पे जब हम देखेंगे, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है वैल्यू, लेकिन एग्जैक्टली कभी पहुँचेगी नहीं. उसके बाद ग्राफ जो होगा वो यहाँ से शुरू होगा, नेगेटिव से, यहाँ से ऐसे करते करते यूँ आएगा, और उसके बाद फिर जो है ग्राफ उसके बाद ऐसे निकल जाएगा. ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज फॉर टेन, ये टेन का ग्राफ होता है, ठीक है. तो दिस वैल्यू इज वॉट, दिस वैल्यू इज अगेन पाई, और ये वैल्यू कौन सी होती है, दिस वैल्यू इज थ्री पाई बाय टू, ये थ्री पाई बाय टू है. इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा आपका टेन का. और अगर इसके पीछे जाओगे,
इसके पीछे जाओगे तो सेम ग्राफ ऐसा फॉलो होता है, ये इस टाइप से. ये ग्राफ जो है, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू टेन एक्स. ठीक, इतना ही है. कॉसेक, सेक और कॉट का एज एप्टीट्यूड में कभी डायरेक्ट यूज आएगा नहीं, तो एप्टीट्यूड के हिसाब से हमारे लिए इतना ही काम का है ग्राफ.